हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम दो छोटे पर्स बनाएंगे। ये कपड़े का बचा हुआ पीस है। एक साइड से इसकी लंबाई 12 इंच है और दूसरे साइड से इसकी लंबाई 14 इंच है। इस तरह का ये एक तिरछा कटा हुआ कपड़ा है। इसमें हमें एक जिप लगानी है। ज़िप का केवल एक भाग हमें यूज़ करना है। ज़िप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग के लिए आप कोई भी कैरी बैग या फिर कोई कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह कर उसके ऊपर हम पिन लगाते जाएंगे। अब इसकी हमें सिलाई कर लेनी है। इसके ऊपर किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। बचे हुए कपड़े से आप बहुत ही सुंदर सुंदर पर्स और पाउच बना सकते हैं, तो ये तरीका भी बहुत आसान है। देखिए, इसके ऊपर सिलाई करने के बाद जिप बीच में आ गई है। ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो है और नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा है। अब जिप के किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच चला लेनी है। अब देखिए सिलाई हो गई है। अब इस तरह से दोनों साइड को हमें एक साथ करके इसमें रनर डाल लेना है। रनर को डालने के लिए इस तरह से पहले आप जिप के पीछे वाले भाग को पकड़ कर खींचिए तो रनर आसानी से लग जाता है। अब इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई चला लेनी है और सिलाई के बाद जो भी किनारे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सा ये न्यू डिज़ाइन का पर्स है। आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं। देखिए, साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली। अब इसे उल्टा कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन मैंने बहुत कम लिया और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है, तो अंदर से भी थोड़ा सा मार्जिन हमें लगभग 1 सेंटीमीटर लेते हुए इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होगा कि सिलाई छुप जाएगी, ना बाहर ना अंदर कहीं से भी आपको खुली हुई सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये देखिए, हमारा ये सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप हैंडल भी लगा सकते हैं। देखिए, ये रेडी हो गया है। इसे आप बड़े छोटे किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। अब हम दूसरा पर्स बनाएंगे। उसके लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। बीच में मैंने फोम रखा है। नीचे एक पुराना कपड़ा रखकर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा कर इसे क्विल्ट कर लेंगे। अब चारों साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसा दो पीस हमें बनाना है। इसी साइज का एक और पीस हम बनाएंगे। चारों साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे। कपड़े के छोटे छोटे पीस बचे हुए तो आप इस तरह के पर्स बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पर्स है और बनाना भी इसे भी बहुत आसान है। तो दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसका हैंडल हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। दोनों साइड से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद लगभग 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर से हमें छोड़कर एक बार और फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ऊपर और नीचे हमें 1 से 1.5 इंच तक खुला रखना है। तो ये देखिए, मैंने हैंडल बना लिया है। अब इसे इस तरह से पर्स में लगाएंगे। किनारे से लगभग 1.5 इंच छोड़कर हमें इसे रखना है और इसकी सिलाई कर लेंगे। अब एक 8 इंच की जिप हमें लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखेंगे
और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे सिलाई लगा लेंगे। ज़िप की सिलाई करने के बाद ज़िप के किनारे किनारे हमें एक बार और सिलाई लगा लेनी है। अब जो दूसरा साइड है उसे ज़िप के दूसरे साइड रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड की भी हम सिलाई कर लेंगे और इसके किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब कपड़े का एक पीस और मैंने लिया है जिसकी लंबाई लगभग 2.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है, 6 इंचज़ की चौड़ाई है। तो जो बैग हम बना रहे हैं उसकी चौड़ाई 8 इंच है। दोनों किनारों से हमें लगभग 1.25 इंच पर निशान लगाकर इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ऊपर से इसे थोड़ा सा खुला रखेंगे, लगभग 1 सेंटीमीटर सिलाई के लिए हमें खुला रखना है। अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे। अब दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। खुली हुई सिलाई के ऊपर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो कपड़े की 1.5-2 इंच चौड़ी स्ट्रिप से आप इसके ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं। अब इसका हम बॉटम बनाएंगे। तो इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेनी है, तो बैक का बॉटम भी बन जाएगा। तो देखिए बैक का बॉटम बन गया। अब बैग बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं जिससे जो सिलाई है वो ढक जाएगी। तो ये देखिए बैग को मैंने सीधा कर लिया है और बहुत ही सुंदर सा ये हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत आसान है, बचे हुए कपड़े से तुरंत बन जाता है। और ये देखिए दूसरा पर्स जो हमने बनाया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा पर्स आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।